अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुगैस। तो आज की वीडियो जो है, आज ईद का दिन है, तो ईद का जो है फर्स्ट डे है, तो मेरी तरफ से जो है आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी फैमिली को सबको ईद मुबारक। आज फर्स्ट डे है तो सोचा कि जो है सबको ईद विश कर दूँ और साथ में आज पूरा जो सेटअप है ना, मतलब पूरे बर्ड्स वगैरह वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ये देख लें, जो जुगाड़ लगाया था मैंने डक से, यूनिफॉल के बच्चे, तितरी के बच्चे, चाइना हैन के बच्चे, जो चकोर के बच्चे निकलवाए थे, वो देखें ये निकले में 12 बच्चे जो थे। तो मतलब जो है तो ये जगह जो है काफ़ी ख़राब हुई इस तरह वजह से कि यहाँ से पानी टंकी भरी जाती तो पानी गिरता था, वो सारा जो पानी है ना वहाँ पर ये कीचड़ बन जाता है। अच्छा, तो ये एक चीज़ होगी, चलें ये देख लें। तो ये और इसके बाद जो है इसको बंद करते हैं और आपको दिखाता हूँ आज। तो इधर जो है ये देखें, वो जो मुर्गी, इससे मैंने बच्चे निकलवाए थे, मस्कवी के 2 बच्चे निकले थे, बाकी ख़राब हो गए थे। ये 2 वो बच्चे हैं, ये अब बड़े हो गए काफ़ी, तकरीबन 1.5 महीने के हो चुके हैं ये। तो ये देखें इतने बड़े हो चुके हैं। और ये पेयर है, एक फीमेल है और एक मेल है। जो छोटे साइज़ में वो मेल है और जो बड़े साइज़ में वो फीमेल है। शुरू में ऐसा होता है कि जो है फीमेल बड़े साइज़ में होती है और मेल जो होता है वो छोटे साइज़ में होता है। ठीक हो गया, ये देखें, चलें इस तरफ आएँ। तो ये देखें बाकी जो है इस तरफ घूम रहे हैं, ये देखें तितरी और ये बाकी डक वगैरह। ये देखें इनका लड़ना ख़त्म नहीं हुआ, ये बार बार जो है ना तीतर को आराम नहीं है, जो हर वक्त ये लड़ने में ही लगा रहता है। ये देखें, ये देखा इनका, बस यही काम है लड़ने वाला। ईद वाले दिन भी जो है ये लड़ने, वैसे ये लड़ नहीं रहे, इसके पीछे भाग रहा है कि आओ भाई मुझसे ईद मिल लो, लेकिन तीतर जो है वो ईद नहीं मिलता इससे। अच्छा, ये देखें, फिर मैं उस तरफ जाता हूँ, फिर आपको मैं बाकी बर्ड दिखाता हूँ। तो ये तो चले उस तरफ जाते हैं ना, मैं आपको बाकी वो दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे तितरी बैठी हुई थी, यहाँ पे जो है अब तितरी के अंडे तो पड़े, लेकिन तितरी अभी उठी भी है यहाँ से, तो ये मुर्गी जो है अंडा देने के बैठी है, तो यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे भी काफ़ी गंद मचा हुआ है, ये देखें। और ये देखें इधर आ जाएं, इधर जो है एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह ये लोहे का तरांगड़ा इस तरह पड़ा हुआ था, इसके पीछे जो है एक जो है बत्तख जो है वो अंडे देना शुरू कर दिए उसने, तो मैं उठा लेता हूँ, एक अंडा सिर्फ यहाँ पड़ा हुआ है ताकि जो है वो रोज़े दे दे। और ये देखें इतने पार जो है उतार के उसने रखने शुरू कर दिए, थोड़ो प्यार ब्लैक वाली है फीमेल, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है वाली। और ये देखें दूसरी तरफ जो है छोटा है, ये रैबिट वगैरह यहाँ बैठे हैं। और ये इस तरह और बाकी जो है कुछ इस तरफ हैं, ये चूज़े बैठे हैं, असील के बच्चे जो निकलवाए थे वो हैं 4, 2, 3 फीमेल है, एक मेल है। और ये कुछ घास जो है रैबिट का रखा हुआ है मैंने। और ये देखें वो जो वाइट वाली मस्का भी बैठी हुई थी 14 अगस्त पर, इसके तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। और ये आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि कम वक्त में जो है सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, अभी रैबिट को बुलाता हूँ इधर, फिर आपको बाकी और दिखाता हूँ। आ गए कुछ जो है वो नहीं आए। तो ये जो है मैं इनको डाल रहा हूँ, ये देखें आप, शहतूत के पत्ते और धरेक जो होती है ना उसके पत्ते, तो ये धरेक के पत्ते भी खाते हैं और शहतूत के पत्ते भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ें खाते हैं। ये देखें सारे तकरीबन आ गए, कोई इक्का दुक्का जो है वो नहीं आया, तो उसको शायद पसंद नहीं होगा इधर आना। अच्छा, ये हो गया। जो ये देखें जो न्यूली है, चूहे थे बच्चे, जो नए बच्चे निकले थे
वो जो है यहाँ पे जब से इन्हें पता चला है कि यहाँ पे पूल है तो यहाँ से जो है हटने का नाम ही नहीं ले रहे। ये माँ बाप भी इधर ही हैं और ये बच्चे भी, ये बच्चे यहाँ से हटते नहीं हैं, तो बस माँ बाप भी साथ ही इनके रहते हैं यहाँ पे। तो सही से केयर कर रहे हैं इनके मस्कवी के बच्चों की, ये गीस का जोड़ा जो है। तो मतलब ये भी एक जुगाड़ लगाया था जो मतलब 100% जो है कामयाब रहा है, सारे बच्चे हैच हुए हैं। तो ये देखें, तो आज ईद का दिन है। मैं जो है सुबह सुबह ईद पढ़ कर आया हूँ, तकरीबन यहाँ पे जो है 8 बजे ईद की नमाज़ हुई थी। नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो फिर उसके बाद जो है घर में होता है, मतलब कुछ कज़न वगैरह को कॉल वगैरह करनी, और मतलब फुफ्फो और ताया ताई, मतलब इस तरह जो है ना सबको, मामू, तो जो है सबको कॉल वगैरह करनी होती है। तो जो है फिर इस वजह से थोड़ा वो हो गया, मेरा दिल था कि जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को विश करूँ और मतलब वो चीज़, लेकिन जो है बस मतलब इसमें लग गया और ये चीज़ हो गई, इतना मतलब देर हो गई। तो ये देखें जो बच्चे वाले देख ले, फिर बाकी वाक इतने बात करते हैं, बड़े मज़े का यहाँ पे ये सीन आ रहा है, बाप माँ और बच्चे, बड़े मज़े की पिक्चर आ रही है ये। ये देखें ये बच्चे तो बिल्कुल पानी से निकलने का नाम ही नहीं रहे, इनको इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये पानी के, बस बीच में घुसे हैं और वो तो बस कुछ कर ही नहीं रहे। वो देखें मम्मा जो है डर गई और निकल गई, ये वो बच्चे हैं। अच्छा, तो बात जो कर रहा था मैं कि जो है ईद, ये देखिए सर, तो ईद पड़ गया है और फिर उसके बाद खाना वगैरह होता है, आप लोगों को सबको पता है कि मतलब वो हो गया। वापस आया तो दादू ने जो है हलवा बनाया हुआ था, तो जो है सुबह जाते वक्त सेवियाँ खा के जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वापसी पे जो है गोश्त खा लिया या फिर जो है हलवा वगैरह। तो हमेशा ही इसी तरह होता है कि मेरी दादू जो हैं वो हलवा बनाती हैं हर ईद पर, और अगर दादू कभी घर पर ना हो, मतलब जो है वो मतलब दादू अपने भाइयों के घर पर गए हुई हों, तो फिर जो है पीछे अम्मी हलवा बनाती है, मतलब वो चीज़ होती है, वो सबका मिसल चलता है। तो सबका ही ऐसा होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही है। तो वो फिर किया और मैं जल्दी से, वो जो है बीच में कहाँ जा रही थी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की और भी बहुत सारा दोस्तों की, तो बस उधर बिजी हो रहा था और मतलब लेट हो गया, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा अब जल्दी से जो है वीडियो बनाता हूँ, जल्दी से अपलोड करता हूँ, आप लोगों को विश करता हूँ। तो मेरी तरफ से दिल्ली बहुत ज़्यादा आप सबको ईद मुबारक, और अभी क्या कहूँ आपको, और हंसते मुस्कुराते रहें, आपके बर्ड भी जो है अच्छी तरह ब्रीड करते रहें, और जो है मतलब बस आपको उसमें कामयाबी मिले और मतलब जो है ना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। और मेरी यही दुआएं हैं सबके लिए कि जिस तरह जो है मेरे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं बाकी सबके भी उसी तरह करें और मतलब उनको अच्छा रिजल्ट मिलता रहे। तो बस ईद है, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और बस ये चीज़। तो ये देखें कुछ इधर से एग्जीबिशन हो रोमो वगैरह, ये देखें। तो आज जो है और एक और चीज़ के ये जो है थोड़ी सी शिफ्टिंग मैंने चेंज की, केज वहाँ पे किए, वहाँ पे जब केज रखा हुआ था सामने जहाँ पे अभी छोटा केज पड़ा फिंचेस वाला, तो इसके नीचे ट्रे नहीं लगा सक रहा था मैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रे सही से आती नहीं लगती नहीं थी इसके नीचे, तो मतलब नीचे ही गन बन रहा था, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अब जो है ट्रे लगा के मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, और बाकी जो है इधर अपनी अपनी जगहों पर हैं। ये देखें, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ जावा का, जावा के जो है दो पेयर लग चुके हैं, एक वाइट का फुल पेयर है और एक ग्रे मेल है और उसके वाइट फीमेल लगी है, और एक पेयर जो है अभी एक मेल तो मुझे कंफर्म है कि मेल, लेकिन एक पीस जो और है उसका कंफर्म नहीं कि वो मेल है फीमेल। तो देखिए फिर अब वो जो पेयर लगते हैं तो फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो बच्चे निकले हुए थे विडाव के, ये वो वाले हैं, चार जो है सिल्वर के थे वाइट टेल के, और ये दो रेड के जो हैं ये भी बड़े हो गए, तो इनको भी मैंने अलग कर लिया है, रिसल्फ हो गए थे तो इनको अलग कर दिया है। उसके बाद जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। और ये एक पेयर जो लाया था मैंने पद जंग से, तो ये दोनों मेल निकले हैं, तो ये अभी एक चेंज करना है, तो फिर जो है पेयर मतलब लगेगा और फिर इसको लगाएंगे, फिर अभी ये दोनों मेल बंद हुए हैं।
सही हो गया। उसके बाद जो है ये वाइट का जोड़ा है, ये देखें वाइट का इसने बच्चा निकाला था लेकिन बच्चा मर गया, और अब फिर फ्री में आज बैठ रही थी, मेरे ख्याल में कल तक जो है एग देगी ये। और ये एक पेयर जो है ये पहले ब्रीड कर रहा था, मैंने इसकी छानी लगाई हुई थी उसमें, लेकिन जब छानी हटा के मैंने ये पॉड लगाया तो ये ब्रीड नहीं कर रहा था, मतलब जो है इसने काफ़ी टाइम जो है बीच में रेस्ट ले लिया और मतलब ब्रीड नहीं कर रहा था। तो कई लोग कहते हैं कि आपके बर्ड बहुत ज़्यादा ब्रीड करें, हमारे पास नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बर्ड भी जो है वो भी ब्रीड नहीं करते, और मतलब ये सब के साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि जो है मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। और उसने अब जो है कल इसी में अंडा दिया एक, तो एक भी छोड़ के फिर एक अंडा देती है और फिर इसने ब्रीड स्टार्ट कर दिए। फाइनली जो मैं चाह रहा था कि ये पॉट में ब्रीड करे तो उसने फाइनली पॉट को ही पसंद किया और मतलब उसमें बैठ गई है। और ये एक पेयर है, इसने जो है अंडे दिए थे, एक बच्चा हैच हुआ और इस दफ़ा जो है मेरा फेवरेट बच्चा है वो रेड और मतलब ऑफ वाइट सा इसके कलर है। तो ये बड़ा सही बड़ा होगा तो मैं आपको सही से दिखाऊँगा, ये ऑफ वाइट टाइप का तो बड़ा प्यारा है ये माशाल्लाह से, तो इस पेयर का। और उसके बाद जो है ये पेयर है रेड का, तो इसके जो है बच्चे वो वहाँ से शिफ्ट किए नीचे केज में, वो दो बच्चे थे वो उधर बड़े हो गए सेल्फ हो गए, उनको उधर शिफ्ट कर दिया, फिर उन्होंने एग दे दिए। तो ये पेयर जो है ये देखें बैठा हुआ है रेड का, तो इनकी ब्रीड बहुत जल्दी जल्दी होती है, मतलब इस तरह जो है बच्चे दे के फिर जल्दी से बच्चे सेल्फ होते जाते हैं, तो फिर दोबारा से ये एग दे देते हैं, कई तो पहले ही दे देते हैं। उसके बाद जो है ये फिंचेस के जो कुछ पट्टे वगैरह हैं जो थे मैंने अलग किए हैं, तो ये देखें बीच में आपको कुछ गंजी नज़र आ रही होंगी, और ये वही मसला है कि फिंचेस जो हैं पार बहुत ज़्यादा खींचती हैं, मेरे पास जगह कम है जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादा बन रहा है। तो अब मैंने जगह ईद के अब ईद रोज़े गुजर चुके हैं, अब ईद के बाद जो मैं सही बड़ी सही जगह बनाऊँगा तो उसमें जो है इनको शिफ्ट करूँगा, और फिर जो है ये इस तरह का मसला नहीं आएगा मेरे पास ये वाला, क्योंकि जो है वहाँ पे केज में नीचे पर गिरते रहते हैं, फिर वो फिंचेस उठा के ले जाते रहती हैं अपने नेस्ट में, तो किसी के पर नहीं खींचती। तो यहाँ पे केज में ऐसे नहीं होते, यहाँ पे होता है कि हवा से पर वगैरह उड़ के केज से बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो जब भी उन्होंने अपने नेस्ट में मतलब नरम जगह करनी होती है तो एक दूसरे के पर खींचते हैं, तो ये मसला बनता है। तो ये पट्टे वगैरह कुछ अलग किए हैं, कुछ 14-15 हैं मेरे ख्याल में, और ये बड़े पेरेंट्स में भी कुछ बच्चे और निकले हैं, ये देखें सारी में कुछ गंदी नज़र आ रही होंगी आपको, ये फीमेल जो होती हैं ना ये इसी तरह करती हैं। तो ये जो है मतलब यहाँ पे भी किसी अंडे के भी बच्चे ऐसा का सीन चल रहा है, ये 50 हो गई हैं तकरीबन 10 थी इसमें, ये देखे बच्चे हैं 4 बच्चे हैं दो तरफ हैं। तो ये हो गया, तो बस ये चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और बस और अभी ऐसे कुछ ब्लॉग नहीं है आपके जो है मैं आपसे शेयर करूँ, बस यही कहूँगा लास्ट पे कि हंसते मुस्कुराते रहें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और जो है यही दुआ है कि जिस तरह मेरे बर्ड जो है ब्रीड कर रहे होते हैं, इस तरह आपके बर्ड भी जो है ब्रीड करते जाएँ अच्छी अच्छी, और आपको जो है मतलब अच्छा रिजल्ट मिले उनकी तरफ से। और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक जो है, और आपको और आपकी फैमिली को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो और अब ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कुछ आपसे कहूँ, तो यहाँ की इजाज़त लूँगा आपसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे दे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ईद मुबारक, और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।